स्थानीय गोबरा नवापारा में बुधवार से सशर्त नियमों के साथ सैलून, नई दुकान और ब्यूटी पार्लर खुल गया, जिसके तहत सभी सैलून दुकानें सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक खुले थे। ज्ञात हो कि रायपुर जिला कलेक्टर के आदेश पर मंगलवार से ही इन सभी व्यवसायों का संचालन आदेश आ गया, जिससे 2 महीने से ज्यादा दिनों तक इस लॉकडाउन में बंद पड़े दुकानों का संचालन पुनः प्रारंभ बुधवार से हो गया। दुकान खुलने से सैलून व्यवसायियों ने राहत की सांस ली है और सरकार का धन्यवाद ज्ञापित भी किया है। जिन निर्देश का पालन करने के साथ दुकान संचालन करने की छूट दी गई थी, इसकी जानकारी जुटाने के लिए डेनेक्स मीडिया रिपोर्टर विशेषर हिरवानी ने बुधवार को नगर के अनेकों सैलून दुकानों का अवलोकन किया और इस मामले पर दुकान संचालक और ग्राहकों से पूरी जानकारी जुटाई। कलेक्टर रायपुर द्वारा जारी आदेश जैसे सोशल डिस्टेंसिंग, फिजिकल डिस्टेंसिंग एवं कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव हेतु इन निर्देशों के पालन के साथ मास्क पहनना अनिवार्य आदि का इन दुकानों पर पालन किया जा रहा था। सैलून संचालकों द्वारा सैलून दुकान व ब्यूटी पार्लर में सैनिटाइजर, हाथ धोने के लिए साबुन व पानी की व्यवस्था की गई है। वहीं प्रत्येक व्यक्ति के सेविंग व बाल काटने के पश्चात कैंची, उस्तरा, सेविंग ब्रश, कंघी एवं कुर्सी को अच्छी तरह से सैनिटाइज करने के लिए व्यवस्था भी की गई है। वहीं ग्राहक मास्क पहने दिखे, साथ ही दुकानदार द्वारा ज्यादा से ज्यादा डिस्पोजल सामानों का यूज किया जा रहा है। बाल कटिंग, सेविंग, डाई के समय ग्राहक स्वयं के द्वारा टॉवेल या कपड़ा ला रहे हैं। संचालक द्वारा आने वाले ग्राहकों एवं अन्य व्यक्तियों की संपूर्ण जानकारी जैसे नाम, पता, मोबाइल नंबर आदि का विवरण लेने के लिए कॉपी की व्यवस्था की गई है। कोरोना वायरस से बचाव हेतु आवश्यक सूचना सामग्री संबंधी पोस्टर, पाम्पलेट व फ्लेक्स की भी दुकान में सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित किया गया है। दुकान खोलने की अनुमति प्रदान करने के लिए नगर सैलून संघ एवं नगर सेन समाज ने शासन प्रशासन का हृदय से आभार व्यक्त किया है। आभार प्रकट करने वालों में प्रमुख रूप से अध्यक्ष गोविंद सेन, सदस्य राजू सेन, विजय सेन, देवेंद्र सेन, संतु सेन, युवराज सेन, अनिल सेन, मंगल सेन, मेघराज सेन, भंडारी सेन, शंकर सेन, ईश्वर सेन, रामस्वरूप सेन, ओम प्रकाश सेन, संजय सेन, राजेश सेन आदि प्रमुख थे। डीएनएक्स टीवी के लिए नवापारा राजिम से विशेषर हिरवानी की रिपोर्ट। जी, यहाँ पर दुकान संचालक, उनसे बातचीत करेंगे। जी बताइए, किस तरह का जो कलेक्टर रायपुर व जिला दंडाधिकारी द्वारा सशर्त नियमों के साथ आप लोगों को दुकान संचालन की छूट मिली है, इस संबंध में आपका क्या कहना है? सर, ऐसा है कि जो हमको नियम मिला है जी, उस निर्देशों को हम पालन कर रहे हैं जी, जी। और ग्राहक को भी समझाइश के तौर पे हमने चस्पा कर दिया है जी, और सामने हमने सैनिटाइजर, केटाल और हैंड वॉश तीनों रख दिया है जी। ग्राहक से यही कहा जा रहा है कि या आप अपना टॉवल या गमछा जी अपने साथ लेके आइए जी। ठीक, आपका नाम? मेरा नाम राजेश कुमार। लॉकडाउन के बाद, आज 2 महीने के लॉकडाउन के बाद सैलून व्यवसायी आज यहाँ पर आए हैं और देखिए, शुरुआत में ही ग्राहकों को सैनिटाइज करके अंदर दिया जा रहा है और यहाँ पर सैलून में दाढ़ी, शेविंग, डाई सब कराने के लिए यहाँ पर लोग आए हुए हैं। दूरी बनाकर यहाँ पर काम किया जा रहा है, प्रॉपर मास्क भी लगाए हुए हैं सैलून जो संचालक है वे, और हम दुकान संचालक से जानना चाहेंगे कि किस तरीके से तैयारी की जा रही है। जी बताइए। सबसे पहले ग्राहक आते तो हाथ को सैनिटाइज करना है जी, हैंड वॉश करना है ना जी, हैंड वॉश करने के लिए जी जी, हैंड वॉश करने के बाद जी हैंड में कंपनी का नाम और मोबाइल नंबर लिखते हैं, पता होता है? देखिए, आज जो लोग आए हैं उनका नंबर यहाँ पर है और नाम लिखा हुआ है, पता लिखा हुआ है जी। और कोई ऐसी गाइडलाइन जो आपका जी जी जी, तो आप देख सकते हैं इस तरीके दुकानदार द्वारा काफ़ी नियमों का, जो सशर्त नियमों की छूट दी गई है, इस छूट के साथ सैलून संचालन की अनुमति दी गई, उनको पालन यहाँ पर दुकानदार कर रहे हैं। मंगल सेन यहाँ पर है हमारे साथ, काफ़ी पुराने सैलून ऐसा ही है जी। कैसा लग रहा है आप लोगों को सैलून यहाँ पे खुलने के बाद? आर्थिक स्थिति, आर्थिक स्थिति से लेकर अभी बीच में आप लोग की आर्थिक स्थिति तो बहुत ही खराब था 2.5 महीने तक के, फिर भी हम लोग अपने बना कर रखे हुए थे और ये आज बहुत खुशी हुई दुकान आप खोलने से। शासन प्रशासन को धन्यवाद ज्ञापित करना चाहते हैं इसके लिए? मैं सरकार को धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। आपका नाम? मंगल प्रसाद सिंह, मंगल हेयर सैलून संचालक। दुकान में और भी जो लोग हैं उनसे भी जानना चाहता हूँ जी, कितने दिन बाद आप यहाँ पे सैलून आए हैं? जैसे 2.5 महीने सैलून खोलने से आप लोगों को कुछ राहत मिली है? बहुत राहत मिली है,
ग्राहकों के लिए भी गाइडलाइंस है कि आपके क्या करना है नहीं करना है। तो अभी आपके साथ कुछ नैपकिन वगैरह देख रहे हैं दिखाएंगे, और दुकानदार द्वारा प्रॉपर इन सब चीज़ों का फॉलोअप किया जा रहा है कि कैसे उन्हें जी। आपका नाम? ये दुकान संचालक से हम बातचीत करते हैं जी। आपका नाम? मेघराज से। अभी जो गाइडलाइन जारी की गई है कलेक्टर रायपुर जिला दंडा के द्वारा, आज से संचालन काम आप लोग के लंबे लॉकडाउन के बाद जो प्रारंभ हुआ है, तो उस संबंध में आप बताएंगे कि नियमों का पालन कर रहे हैं? सर, जो भी अब हमारे जो दुकान अंदर आ रहे हैं उनको हम लोग पहले सैनिटाइज कर रहे हैं, उसके बाद बैठा रहे हैं, और जो नेपकिनू है वो अपने साथ लाने के लिए बोल रहे हैं, नहीं लाया तो फिर टिश्यू पेपर का उपयोग कर रहे हैं, और प्लस जैसे ये अपना वो है सैनिटाइजर जो आता है या तो फिर जो पानी उपयोग करते हैं फुहारा मारते हैं उसमें अपन लोग डिटॉल डाल के रखें ताकि कंघी जो नेपकिन है वो भी साफ होते रहे। तो आप लोगों का कहना कि सभी तरीके से नियमों का पालन कर रहे हैं? नियम पालन कर रहे हैं, प्लस अपने जो नियम है उसको अपन लोग लगा। प्रशासन ने प्रशासन ने जो आप लोगों को ये गाइडलाइन जारी की, प्रशासन ने जो लॉकडाउन के बाद आप कहाँ खुलवाए हैं दुकान, इस संबंध में उनको कुछ धन्यवाद ज्ञापन? बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं हम लोग, जो परिस्थिति का थोड़ा सा स्थिति को सुधार इसी बहाना सुधरेगा हम लोगों का। आपका नाम? मेघराज से। देखिए हमारे साथ ये सैलून में एक और अन्य कस्टमर्स हैं। आज से जो सैलून संचालन के लिए आदेश आया है इस पर ग्राहकों के लिए भी कुछ कुछ गाइडलाइंस है, आपने उसे पढ़ा और आप पालन कर रहे हैं? जी जी, सभी का पालन कर रहे हैं हम लोग। खुद कपड़े दिखाएंगे कपड़े? जी, हमारे पास कपड़े भी खुद से लाए हैं, साथ में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं, साथ में घर जाने के समय हम अच्छे से हैंड वॉश यहाँ से जाते हैं तो हैंड वॉश से अपना हाथ धोते हैं। दुकानदार सभी नियमों का पालन कर रहे हैं आपको यहाँ? हाँ, दुकानदार सभी नियमों का पालन कर रहे हैं, पूरी हम सावधानी बरतने के लिए हर संभव प्रयास करने का जानकारी दे रहे हैं। आज जो प्रशासन ने सैलून दुकान खोलने की छूट दी है, इसके संबंध में आप क्या कहना चाहेंगे? प्रशासन ने जो भी गाइडलाइन जारी की है उसके अनुसार दुकान संचालकों को दिए है, जिससे ग्राहकों को भी थोड़ा राहत हो गए जी। देखिए जैसे कि शासन का निर्देश है कि वेटिंग में जो लोग रहेंगे वो बाहर ही रहेंगे और बाहर बैठे हुए हैं आप देख रहे हैं जी। आपका नाम बताइए? जी, आपको पता है कि आज से सैलून खुला तो उसके लिए क्या करना है? तो आप लेकर आए हैं अपने साथ, दिखाएंगे जी। ठीक जी, हमारे साथ यहाँ पर युवराज सैलून के संचालक यहाँ पर है, और जैसा कि आप जान रहे हैं पहला दिन है और आज पूरे सशर्त नियमों के साथ कलेक्टर रायपुर के आदेश के बाद यहाँ पर दुकान खुला है, तो जानते हैं जी। युवराज सैलून जी, बताइए किस तरीके की कि आप लोगों को गाइडलाइन जारी की गई है और आप लोग उनका कितना पालन कर रहे हैं? गाइडलाइन में कस्टमर के लिए कपड़े खुद से लाने होते हैं, वो हर सामान को सैनिटाइज करते हैं, सैनिटाइजर हमारे पास उपलब्ध है, और सामान को बनाने के पश्चात उसको सैनिटाइज करना है, बिजार पानी के सब सामान दुबार से रखी हुई और कस्टमर को अंदर नहीं बिठाना है, बैठाते नहीं रखना है, आपने COVID-19 से संबंधित जो जानकारी अवेयरनेस के लिए पंपलेट फ्लैग्स ये सब लगाया हुआ है, मतलब इस तरह के सारे नियमों का पालन कर रहे हैं? आपके संघ में भी सभी लोगों के लिए ऐसा गाइडलाइन संघों की संगठित हुई है? संघ के द्वारा सभी के लिए गाइडलाइन का जो कॉपी है प्रिंट करा के प्रत्येक दुकानों में वितरित की गई हमारे पदाधिकारियों द्वारा, सबको सख्त हिदायत है कि नियमों का पालन करते हुए काम करें, और इसके लिए हम शासन प्रशासन को धन्यवाद देते हैं हमारा काम प्रारंभ कराने। यहाँ पर सैलून में जो 2.5 महीने के लॉकडाउन के बाद सेविंग कराने के लिए डाई कराने के लिए जो लोग उपस्थित हुए हैं, उनसे हम बातचीत करना चाहेंगे जी। आपका नाम? सुनील चांदवान यहाँ पर जी। कैसा लग रहा है? बहुत ही अच्छे तरीके से पालन किया जा रहा है इस सैलून में, सबकी सैनिटाइज किया जा रहा है जी, और सब जो कस्टमर्स आ रहे हैं उनके उनका ही नैपकिन और उनका ही टॉयलेट मंगाया जा रहा है, 100% पालन किया जाता है, बहुत ज्यादा खुशी हुई हमारे को देख के। राहत मिली आप लोगों को? बहुत बढ़िया राहत मिली। ग्राहकों के लिए भी कुछ गाइडलाइंस है वो आप पालन कर रहे हैं? बिल्कुल पालन कर रहे हैं जी। आप अपना नैपकिन लेकर यहाँ पर आए हैं? हम यहाँ अपना टॉयलेट लेके आए हैं जी। ठीक है।